फॉर्मेशन मेथड, अभी हमारी ये लेटर कोडिंग ही चल रही है, अब फॉर्मेशन मेथड हम देखते हैं। फॉर्मेशन मेथड क्या होता है, इस पे क्वेश्चन क्या होते हैं। शुगर, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, शुगर का कोड दिया गया है FKPLT, FKPLT। तो आपको गुरुज का वर्ड, गुरुज का वर्ड बताना है, मतलब किस फॉर्मेशन से कोड बताना है इसका। शुगर का कोड दिया गया है FKPLT, तो ग्रूस का कोड क्या होगा। देखो ये अलग तरीके के क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं, इसको फॉर्मेशन मेथड कहते हैं हम बनाना। एक चीज नोटिस करिए इस क्वेश्चन में, देखिए आपको शुगर वाला जो वर्ड दिया गया है, शुगर ये गिवन वर्ड है, ठीक है, और क्वेश्चन वर्ड क्या है मेरा, ग्रूस, ये है। क्या इसके सारे लेटर्स इसमें मौजूद हैं या नहीं है, पहले ये देखो, जी यस यू आर यू एस सब मौजूद है शुगर के अंदर। अगर ऐसी यस सर, सिचुएशन आ रही है आपकी, अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है आपकी, तो आपका जो लेटर जिसके सामने लिखा है वही उसका कोड हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या कहता है, इफ ऑल दी लेटर्स ऑफ दी क्वेश्चन वर्ड आर प्रेजेंट इन अ गिवन वर्ड, इफ ऑल द लेटर्स ऑफ अ क्वेश्चन वर्ड आर प्रेजेंट इन अ गिवन वर्ड, देन द कोड गिवन फॉर ईच लेटर इज द कोड फॉर दैट लेटर। इसका मतलब क्या है, अगर सारे क्वेश्चन वर्ड, जो हमारा क्वेश्चन है, उसके सारे लेटर्स गिवन वर्ड में मौजूद हैं, गिवन वर्ड में मौजूद हैं, तो जो जिसका सामने है वो उसका कोड हो जाएगा। That means S के लिए कोड हो जाएगा F, U के लिए हो जाएगा K, G के लिए P, A के लिए L और R के लिए T, ठीक है। इस तरीके से हम बना के लिखेंगे, तो G का कोड मैं कहां से लिख सकता हूं, G का कोड क्या है मेरे पास, P, U का कोड क्या है, K, R का कोड यहां से मिल जाएगा T, U का कोड K, S का कोड F, तो कोड बना मेरा क्या, TK TK F, ये कहलाता है फॉर्मेशन मेथड, क्योंकि मैंने फॉर्म किया इससे ही, गिवन वर्ड से क्वेश्चन वर्ड का कोड फॉर्म किया। चलो ROSE, रोज का कोड दिया गया है FHBA, तो और चेयर का कोड दिया गया है GCDEF, तो आपको सर्च का कोड मालूम करना है। देखो यहां भी फॉर्मेशन मेथड ही है, लेकिन हम यहां पे कर क्या रहे हैं कि देखो यहां पे दो वर्ड तो गिवन है और तीसरा वर्ड दिया गया है, तो ये भी वेरी सिंपल है। आपको क्या करना है, ये जो ये वाला वर्ड जो है सर्च, इसके सारे लेटर्स इन दोनों में से ढूंढ के लिखने हैं आपको, बस खत्म बात। यही थी इस क्वेश्चन की टेक्निक, इसमें क्या करना है, सारे लेटर्स जो हैं ये इन दोनों में से ढूंढ के निकलना है। अब एस जो है, देखो इन दोनों में कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा एस, एस का कोड मुझे कहां से मिल जाएगा, यहां से, एस का कोड ये है एस, रोज में आता है एस, एस का कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, ई का कोड क्या हो जाएगा, देखो ई यहां से मिल जाएगा ए, ठीक है ए, अब ए मुझे यहां से मिल जाएगा डी, आर, अब देखो आर यहां भी मौजूद है, यहां भी मौजूद है, ठीक है, अब दोनों जरा कोडिंग देखना, जरा आर का यहां से मिल रहा है मुझे एफ, यहां से मिल रहा है एफ, तो ही सही है। अगर ये आर का कोड यहाँ पे एफ है, आर का कोड यहाँ बदल जाता है, तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको ये जरूर देखना है कि देखो दोनों में मौजूद है तो कोड भी तो सेम होना चाहिए, तभी तो क्वेश्चन सही बनेगा, वरना क्वेश्चन ही गलत हो जाता, ठीक है, तो क्वेश्चन आपको सही दिया जाएगा। आर का कोड यहां से एफ है, यहां से भी एफ है, कहीं से भी देख लो, ठीक है। फिर सी, सी मुझे यहां से मिल जाएगा जी, एच, एच मुझे यहां से मिल जाएगा सी, बी ए डी एफ जी सी, ठीक